इस कहानी की शुरुआत में हमें बहुत सारी बर्ड को दिखाया जाता है जो एक लेडी की वजह से बिखरे कुकीज को खाने के लिए आई थी। तभी वहाँ पर रोबोट नाम का चिड़ा आकर सभी को कहता है कि मुझे अपने बच्चे का है, इसलिए थोड़ा बचा लेना। मगर लेट होने की वजह से उसे कुछ नहीं मिलता। तभी रोबोट देखता है कि लेडी कुकीज को उछाल कर खा रही है, तो कुकीज को उसके मुँह में गिरने से पहले लेकर भाग जाता है और वो खुश होकर कुकीज को घोंसले में संभाल कर ले जाता है। तभी उसे रास्ते में बगुलों का झुंड मिलता है जो अपने बच्चों की अच्छी पढ़ाई के लिए मीटिंग कर रहे थे, लेकिन रोबोट गलती से क्लाउडिस नाम के बगुले को पानी घिरा देता है जो बगुलों के झुंड का लीडर पहुंच जाता है जो एक स्टेचू के ऊपर बना था, जहां पर वो उसकी वाइफ और उसके बच्चे रिचर्ड से मिलता है क्योंकि जल्दी रिचर्ड अंडे से बाहर आने वाला था। तभी रिचर्ड अंडे को चोंच मारकर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है जिससे वो बहुत खुश होते हैं, लेकिन तभी वहां पर जंगली बेंजर आकर रिचर्ड के पेरेंट्स को मारकर खा जाता है। वहीं अरोरा नाम की बगुला तालाब से मछलियां पकड़कर खा रही थी, तभी उसे जंगली बेंजर की आवाज सुनाई देती है जिसकी वजह से वो उस तरफ जाती है तो देखती है कि चिड़िया के घोंसले के अंदर पत्ते के नीचे एक अंडा रखा हुआ है जिसे कर चिड़िया का बच्चा बाहर निकलता है जिसका नाम रिचर्ड होता है। तभी वो उसे खाने के लिए कुकीज देती है क्योंकि रिचर्ड बहुत ही प्यारा था। रिचर्ड के पेरेंट्स को जंगली बेंजर ने मार दिया है, तभी रिचर्ड उसे अपनी मॉम समझकर उसे चिपक जाता है, इसीलिए ना चाहते हुए भी अरोरा पत्तों से टोकरी बनाकर उसे अपने साथ लेकर जाती है क्योंकि उसे पता था कि वो बिना फैमिली के जिंदा नहीं बच पाएगा। रिचर्ड बहुत खुश होता है। अरोरा अपने घर पर पहुंच जाती है जहां पर उसका बेटा मैक्स खाने के लिए, तभी वहां पर उसका पति क्लाउडी जाकर उन्हें कहता है कि आज एक चिड़िया की वजह से मेरी बेइज्जती हो गई क्योंकि उसकी वजह से पानी में गिर गया था। और वो खाने के लिए टोकरी को खोलता है लेकिन उसके अंदर रिचर्ड को देखकर नीचे गिर जाता है और अरोरा पर गुस्सा करता है क्योंकि रिचर्ड उसके साथ मस्ती कर रहा था। क्लाउडिज अरोरा से पूछता है कि चिड़िया का बच्चा यहाँ कैसे आ गया, तो अरोरा रिचर्ड को मेज के साथ खेलने के लिए भेजकर क्लाउडिज को बताती है कि मुझे रिचर्ड एक घोंसले में मिला था जो बिल्कुल तबाह हो चुका है, जिसके साथ नहीं थे, इसीलिए मैं उसे अपने साथ लेकर आ गई। जिस पर क्लाउडिज कहता है कि तुम्हें इसे वापस छोड़कर आना होगा क्योंकि हमारे साथ नहीं रह सकता, तो अरोरा उसे समझाती है कि अगर ये सब हमारे के साथ हुआ होता तो हम क्या करते। जैसे क्लाउडिज मैक्स और रिचर्ड को साथ में खुश देखकर उसे अपने साथ पतझड़ के मौसम तक रखने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन अरोरा कहता है कि पतझड़ के मौसम के बाद रिचर्ड को अपना ख्याल खुद रखना होगा और रिचर्ड के बारे में बाकी बगुलों को पता नहीं चलना चाहिए क्योंकि इससे मेरी बहुत बेइज्जती होगी। फिर हमें दिखाया जाता है कि मैक्स अपने साथ रिचर्ड को लेकर उड़ रहा होता है जिससे वो दोनों साथ में मस्ती करते हुए बहुत खुश थे। अरोरा मैक्स को मछली पकड़ने के लिए कहती है जिससे मैक्स आसानी से मछली पकड़ना सीख जाता है, कोशिश करता है मगर वो मछली को नहीं पकड़ पाता क्योंकि एक चिड़िया का बच्चा था, लेकिन मैक्स के फिसलने की वजह से मछली रिचर्ड पर गिर जाती है जिससे सभी बहुत खुश होते हैं और रात के वक्त रिचर्ड भी बगलों की तरह सोना सीख जाता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि मैक्स और रिचर्ड साथ में उड़ रहे होते हैं, लेकिन मैक्स के मना करने के बाद भी रिचर्ड आसमान की ऊंचाई पर उड़ने की कोशिश करता है मगर आसमान में तेज हवा होने की वजह से वो नीचे गिरने लगता है, तो मैक्स उसे नीचे गिरने से बचाता है जिससे वो मस्ती करने लग जाते हैं और वो एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। तभी उन्हें उनके डैड बुलाते हैं तो उनके पास जाते हैं। अरोरा रिचर्ड को अपने बेटे मैक्स की तरह प्यार करती थी जिसकी वजह से वो बहुत उदास हो जाती है क्योंकि पतझड़ का मौसम स्टार्ट होने की वजह से कल सभी बगुले अफ्रीका जाने वाले थे, इसीलिए वो क्लाउडी से कहती है कि मैं रिचर्ड को उठाकर अपने साथ अफ्रीका लेकर चल सकती हूँ। जिस पर क्लाउडी उसे समझाते हुए कहता है कि हमें सर्दियों की वजह से अफ्रीका के लिए निकलना होगा जिसके लेकर नहीं चल सकते क्योंकि वो आसमान की ऊंचाई पर नहीं उड़ पाएगा, इसीलिए हमें उसे यहीं छोड़कर जाना होगा और तुम बहुत अच्छी माँ हो क्योंकि तुमने रिचर्ड के लिए वो सब कुछ किया जो इसकी असली माँ को करना चाहिए था। तभी मैक्स और रिचर्ड वहाँ जाते हैं तो क्लाउडिज कहता है कि अब हमारे चलने का समय हो चुका है जिसके लिए आज मीटिंग का आयोजन किया गया है जिसमें रिचर्ड को छोड़कर सभी को चलना है, इसलिए वो सभी रिचर्ड को वहीं छोड़कर चले जाते हैं जिससे रिचर्ड बहुत उदास हो जाता है क्योंकि वो कभी अकेला नहीं रहा था, इसलिए रिचर्ड उनके पीछे जाकर चिपके से उनकी बातें सुनता है। जहां सर्दियों की वजह से सभी बगुले अफ्रीका के ग्रेटलैंड पर माइग्रेट होने का प्लान बना रहे थे क्योंकि पतझड़ शुरू हो चुका था, लेकिन तभी रिचर्ड पत्थर टूटने की वजह से बगुलों के बीच में गिर जाता है और सभी बगुले उसे देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो क्लाउडिज को डेड और अरोरा को मॉम कह रहा था जिसकी वजह से सभी बगुले उनका मजाक उड़ाते हैं। इसलिए क्लाउडिज रिचर्ड को समझाता है कि तुम सिर्फ एक चिड़िया के बच्चे हो इसलिए तुम हमारे साथ नहीं चल सकते, लेकिन रिचर्ड उनकी बातों पर विश्वास नहीं करता क्योंकि वो बच्चा है, इसलिए उसे लगता था कि वो भी एक बगुला है। तभी अरोरा रिचर्ड को अपने साथ लेकर जाती है ताकि वो रिचर्ड को उसका घर दिखा सके क्योंकि अब उसको सच्चाई बताने का सही वक्त आ गया था। अरोरा उसे बताती है कि तुम मुझे इस चिड़िया के घोंसले में मिले थे और तुम्हारे पेरेंट्स यहाँ नहीं थे, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ ले गई क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम अकेले रहो, लेकिन उनकी बात नहीं मानता तो उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम अफ्रीका तक नहीं उड़ सकते क्योंकि तुम सिर्फ चिड़िया के बच्चे हो। जिस पर रिचर्ड उन्हें कहता कि मैं अभी छोटा हूँ जिसकी वजह से मेरे पंख और चोंच छोटी है, लेकिन बड़ा होने के बाद मैं भी आपकी तरह ही ताकतवर बनूंगा। यह कहकर रिचर्ड अपनी फुल ताकत से उड़ता हुआ बगुलों के झुंड को पीछे छोड़ देता है जिससे वो बहुत खुश होता है। फिर हम देखते हैं कि मैक्स अपने डैड को रिचर्ड को यहीं पर छोड़ने के लिए मना करता है क्योंकि रिचर्ड मैक्स से अच्छे तरीके से उड़ सकता था, तो उसके डैड उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि चिड़िया माइग्रेट नहीं करती, इसीलिए
लिए अगर हम रिचर्ड को अपने साथ ले गए तो उसकी जान जा सकती है, जिससे मैक्स बहुत उदास हो जाता है। तभी वहाँ रिचर्ड आकर बताता है कि मैं आप सभी से पहले अफ्रीका पहुँच जाऊँगा। फिर वो सभी सो जाते हैं क्योंकि कल उन्हें अफ्रीका के लिए निकलना था। अगली सुबह मौसम चेंज हो जाता है क्योंकि पतझड़ का सीजन चालू हो गया था, जिसकी वजह से रिचर्ड को बहुत ठंड लग रही थी। तो रोरा उसे पत्ते से ढक देती है ताकि वो ठंड से बच पाए। उसके बाद वो सभी अपने झुंड के साथ अफ्रीका जाने के लिए निकल जाते हैं। तभी वहाँ बारिश होना शुरू हो जाती है, जिससे रिचर्ड उठकर अपने मॉम डैड को ढूंढता है और अपने पेरेंट्स के पीछे जाने की कोशिश करता है। लेकिन मौसम ज्यादा खराब होने की वजह से वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। तभी उसे ओल्गा नाम की उल्लू होश में लेकर आती है, जो एक इमेजिनेशन दोस्त से बातें करती थी। रिचर्ड उसे देखकर डर जाता है, जिससे वो छिपने की कोशिश करता है, मगर वो एक अच्छी उल्लू बन जाते हैं। रिचर्ड उसे बताता है कि मैं अफ्रीका जाना चाहता हूँ क्योंकि मेरी फैमिली यहाँ से माइग्रेट करके अफ्रीका जा रही है और मैं छोटा बगुला हूँ, जिसकी वजह से वो मुझे अपने साथ लेकर नहीं गए। और उसकी अजीब हरकतों की वजह से ओल्गा रिचर्ड को पागल समझती है। फिर रिचर्ड साउथ डायरेक्शन की तरफ जाने की कोशिश करता है क्योंकि अफ्रीका उसी दिशा में मौजूद था। लेकिन तभी बहुत सारे चमगादड़ आकर उसे मारकर खाने की कोशिश करते हैं। ये देखकर ओल्गा उसे बचाकर भागती है, लेकिन चमगादड़ उनका पीछा नहीं छोड़ते। इसीलिए ओल्गा उन्हें घरों की लाइट्स के पास लेकर जाती है, जिससे वो दोनों चमगादड़ से बच जाते हैं, जिससे वो दोनों बहुत खुश होते हैं। रिचर्ड ओल्गा से कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है क्योंकि तुम रात में अच्छी तरीके से देख सकती हो, इसीलिए तुम्हें सुबह तक मुझे रास्ता दिखाना होगा ताकि मैं जाऊँ। तभी ओल्गा अपने इमेजिनेशन फ्रेंड की वजह से उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है, इसीलिए वो साथ में उड़ते हुए साउथ डायरेक्शन की तरफ निकल जाते हैं। वहीं सभी बगुले अफ्रीका की तरफ बढ़ रहे होते हैं। लेकिन मैक्स अपने भाई को बहुत मिस कर रहा था क्योंकि वो हमेशा साथ में खेलते थे, जिसकी वजह से अरोरा को उसकी फिक्र होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि रिचर्ड और ओल्गा एक ट्रक में सो रहे थे क्योंकि रिचर्ड को रास्ते में नींद आ गई थी, जिससे वो दोनों फ्रांस में पहुंच जाते हैं। तभी उन्हें वहां पर चिड़िया के बच्चे मिलते हैं, जो रिचर्ड को खाने के लिए दाने देते हैं, मगर उन्हें नहीं खाता क्योंकि वो खुद को बगुला मानने की वजह से सिर्फ मछलियां खाता था। और रिचर्ड के माइग्रेट होने की खबर सुनकर चिड़िया के बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि चिड़िया कभी माइग्रेट नहीं करती। फिर वो दोनों अफ्रीका जाने के लिए निकल जाते हैं। तभी ओल्गा एक कस्टमर से बर्गर छीनकर खा जाती है क्योंकि उसे बहुत भूख लगी थी, जिससे रिचर्ड उससे नाराज होकर कुछ कबूतरों से मिलता है। होकर सभी कंट्री के पक्षियों से कांटेक्ट में रहते थे। तभी ओल्गा वहां आकर खुद भी उन कबूतरों के साथ ऑनलाइन हो जाती है क्योंकि वो रिचर्ड की मदद करना चाहती थी। तो रिचर्ड कबूतर से बगुले के झुंड के बारे में जानने की कोशिश करता है, जिससे कबूतर उनकी इन्फॉर्मेशन ओल्गा को ट्रांसफर कर देते हैं, जिसकी वजह से ओल्गा रिचर्ड को लेकर गिब्राल्टर शहर की तरफ निकल जाती है। फिर हम देखते हैं कि रेस्टोरेंट के अंदर उसका ओनर कीकी नाम के तोते को सॉन्ग गाने के लिए टॉर्चर कर रहा था क्योंकि वो रेस्टोरेंट के लिए कस्टमर बढ़ाना चाहता था। ओनर के जाने के बाद की मदद से टीवी में सॉन्ग चालू कर देता है क्योंकि कीकी का सन रेमो फेस्टिवल में सॉन्ग गाने का सपना था, जिससे कीकी बहुत खुश होता है। मगर ओनर वापस आकर टीवी को बंद कर देता है, जिससे वो काफी उदास हो जाता है और वो पिंजरे से बाहर निकलने की कोशिश करता है क्योंकि सन रेमो शहर की ट्रेन कुछ ही देर में रवाना होने वाली थी। इसीलिए वो मदद के लिए आवाज लगाता है, जिससे रिचर्ड और ओल्गा वहां आकर उसे कहते हैं कि हमें गिब्राल्टर शहर जाना है। तो कीकी उनसे झूठ बोलता है कि मुझे भी शो में सॉन्ग गाने के लिए गिब्राल्टर शहर जाना है, इसके लिए मुझे जल्दी पिंजरे से बाहर निकलना होगा क्योंकि गिब्राल्टर शहर की ट्रेन जा रही है। तो उसे पिंजरे से बाहर निकाल देते हैं क्योंकि रिचर्ड भी उसके साथ जाकर अपनी फैमिली से मिल सकता था। लेकिन कीकी को उड़ने से बहुत डर लगता था, इसीलिए वो ओल्गा रेस्टोरेंट में लेकर जाती है। तभी कीकी देखता है कि हम दूसरी ट्रेन में घुस गए हैं, इसीलिए वो तेजी से उड़कर सन रेमो शहर की ट्रेन के अंदर जाते हैं। लेकिन रिचर्ड और ओल्गा को लगता है कि वो गिब्राल्टर शहर की ट्रेन में जा रहे हैं। वहीं हमें बगुलों के झुंड को दिखाया जाता है, जहाँ क्लाउडीज मौसम खराब होने पर भी तेजी से अपने झुंड को साथ में लेकर उड़ रहे थे क्योंकि उन्हें जल्दी अफ्रीका पहुँचना था। तभी मैक्स अपने डैड से कहीं रुकने को कहता है क्योंकि वो बहुत थक चुका था, लेकिन उसकी बात नहीं सुनते क्योंकि वो जानते थे कि अगर हम कहीं रुक गए तो ठंड सहन नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो बादलों के ऊपर उड़ते हैं ताकि ठंड से बच सके। वहीं रिचर्ड अपने दोस्तों को अपने साथ हुई घटनाओं के बारे में बताता है। तो ओल्गा भी उन्हें बताती है कि जब मैं छोटी थी तब सभी फैमिली मेंबर मुझसे नफरत करते थे क्योंकि मैं बहुत मोटी थी, के अंदर नहीं जा पाती थी, जिससे मुझे अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ा। तभी मुझे ओलेग मिला, जो हमेशा मेरे साथ रहता है, जिससे वो बहुत खुश होती है। लेकिन कीकी उसका मजाक उड़ाता है क्योंकि ओलेग सिर्फ उसकी इमेजिनेशन थी, जिससे वो नाराज हो जाती है। इसीलिए रिचर्ड उसे कहता है कि मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकता है कि कल सुबह वो सन रेमो शहर पर पहुंच जाएंगे, लेकिन उन्हें झूठ बोलता है क्योंकि उन्हें इंसानी लैंग्वेज समझ नहीं आती थी, जिसकी वजह से वो दोनों उस पर विश्वास कर लेते हैं। उसके बाद सभी सो जाते हैं। अगली सुबह कीकी उन्हें वहीं छोड़कर शो में जाने के लिए निकल जाता है, लेकिन तभी एक आदमी रिचर्ड और ओल्गा को ट्रेन से बाहर भगाता है, जिससे वो दोनों स्टेशन से बाहर आ जाते हैं। तभी कुछ क्रो उन्हें मिलते हैं, जिनसे रिचर्ड को पता चलता है कि कीकी ने उनके साथ धोखा किया है क्योंकि वो इटली के सैन रेमो शहर में आ गए थे, जिससे गुस्सा होकर रिचर्ड को समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हें अपने बारे में पता होना चाहिए क्योंकि तुम समुद्र को पार करके अफ्रीका नहीं पहुंच सकते, जिससे उन दोनों के बीच बहस हो जाती है। इसीलिए रिचर्ड ओल्गा को वहीं छोड़कर चला जाता है। तभी ओल्गा का दोस्त जो उसकी इमेजिनेशन था वो गायब हो जाता है क्योंकि उसे लगता था कि उसे नाराज हो गया है, जिससे ओल्गा बहुत परेशान होकर उसे ढूंढने लगती है। फिर हमें दिखाया जाता है
जाता है कि रिमोट शहर की खूबसूरत लेडी अपने पार्टनर के साथ शो के अंदर जाती है। तभी उसके पीछे किकी भी जाने की कोशिश करता है, मगर उसे अंदर नहीं जाने दिया जाता क्योंकि सभी पक्षियों को छत पर बुलाया गया था। इसीलिए किकी बड़ी मुश्किल से छत पर जाता है। सॉन्ग गाने के लिए रजिस्टर करवा रहे थे और वहीं रिचर्ड बगुले के घोंसले में आकर उन्हें आवाज लगाता है, मगर वहाँ पर कोई नहीं था, जिससे वो बहुत उदास हो जाता है। ओल्गा अपने दोस्त को ढूंढ रही थी, तभी उसे ऑनलाइन एंजॉय कर रहे दो कबूतर मिलते हैं, जिनसे वो अपने दोस्त के बारे में पूछती है, मगर वो ओल्गा को बताते हैं कि तुम बहुत पॉपुलर हो चुकी हो, इसीलिए अपने दोस्त को ढूंढने के लिए ऑनलाइन हो जाती है। उसे बहुत सारी फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी, जिससे वो बहुत खुश होती है और ऑनलाइन रहकर खूब एंजॉय करती है। वही किकी शो में सॉन्ग गाने के लिए तैयार हो चुका है, तभी वो देखता है कि उसका सॉन्ग कोई दूसरी पैरट गा रही थी, जिसे वो रोकने की कोशिश करता है मगर उसे नहीं रोक पाता, जिससे वो बहुत ज्यादा निराश होकर रोने लग जाता है। इसीलिए अफ्रीका जाने के लिए उसे पता चलता है कि रिचर्ड समुद्र को पार करके अफ्रीका के लिए उड़ान भर रहा है, इसीलिए उसे बचाने के लिए जाता है। तभी वो देखता है कि ओल्गा ऑनलाइन खूब एंजॉय कर रही है, तो मदद के लिए उसके पास जाता है, लेकिन उसकी नहीं सुनती। इसीलिए वो केबल निकाल कर ओल्गा को बताता है कि हमें रिचर्ड को बचाना होगा क्योंकि वो समुद्र के रास्ते अफ्रीका जा रहा है, मगर वो तेज हवाओं के बीच नहीं उड़ सकता, नहीं करती। फिर भी किकी उसे रिचर्ड को बचाने के लिए कहता है, इसीलिए उसकी बातों पर विश्वास कर लेती है। फिर वो दोनों रिचर्ड को बचाने के लिए निकल जाते हैं। वही रिचर्ड चोटी से उड़ने की कोशिश करता है क्योंकि वो जल्द ही अपनी फैमिली के पास जाना चाहता था। तभी ओल्गा और किकी उसे रोकने के लिए आ जाते हैं और किकी उसे कहता है कि हम जहाज में बैठकर आसानी से अफ्रीका पहुंच सकते हैं, लेकिन रिचर्ड उसकी बात नहीं मानता क्योंकि वो खुद को बगुला समझता था। इसीलिए वो समुद्र में छलांग लगाता है, जिससे वो समुद्र में गिरने लगता है। इसीलिए उसे बचाने के लिए ओल्गा और किकी भी कूद जाते हैं और अपने पंखों को एक साथ ज्वाइंट करके वहाँ से बचकर आसानी से बादलों के ऊपर उड़ते हैं और बादलों का खूबसूरत नजारा देखकर बहुत खुश होते हैं। रात के वक्त उन्हें एरोप्लेन दिखाई देता है, जिससे वो बचने की कोशिश करते हैं, मगर एरोप्लेन से टकराकर ओल्गा बेहोश हो जाती है। इसीलिए रिचर्ड और किकी उसे उठाकर जहाज पर उतरते हैं, लेकिन काफी वक्त तक ओल्गा को होश नहीं आता, तो किकी उसे होश में लाने की फुल कोशिश करता है, मगर ओल्गा को बचाने के लिए ओल्गा की इमेजिनेशन ओलेग से रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम ओल्गा की मदद कर सकते हो, जिससे ओल्गा बच जाएगी। तभी ओल्गा होश में आकर खुद के पास ओलेग को महसूस करती है और उससे बातें करने लग जाती है, जिससे वो सभी बहुत खुश होते हैं। उसके बाद किकी रिचर्ड को बताता है कि जहाज अफ्रीका जा रहा है, जिसकी वजह से हम बड़ी आसानी से तुम्हारी फैमिली के पास पहुंच जाएंगे। और अब रिचर्ड को एहसास हो चुका था कि वो बगुला नहीं है, इसीलिए वो कहता है कि क्या मुझे मेरी फैमिली अपना लेगी। जिस पर किकी कहता है कि अगर तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें नहीं अपनाया तो तुम हमारे साथ रह सकते हो। फिर हम देखते हैं कि सभी बगुले बहुत थक चुके थे, इसीलिए वो धूप कम होने तक बंजर जमीन पर रुककर आराम करते हैं, लेकिन उन्हें डर आकर उन्हें बताता है कि इंसानों ने नदी पर बांध बना दिया है, जिससे यहाँ की नदी का पानी सूख गया। लेकिन तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हें पानी के गड्ढे के पास लेकर जा सकता हूँ, मगर क्लाउडिश उसकी मदद नहीं लेना चाहता था, इसीलिए उसे मना करके कहता है कि हम खुद अपने लिए पानी खोज लेंगे। जिसकी वजह से मैक्स अपने डैड से कहता है कि आपको उनकी मदद लेनी चाहिए थी क्योंकि हमें बहुत प्यास लगी है। तो क्लाउडिश उसे कहता है कि हमें खुद अपनी मदद करनी चाहिए क्योंकि बगुले किसी पर निर्भर नहीं रहते और मैं सब कुछ सबकी भलाई के लिए कर रहा हूँ। तभी मैक्स उन्हें बताता है कि आपने मेरे भाई को वहीं छोड़कर अच्छा नहीं किया, और वो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है, इसीलिए उसके डैड भी उसके पीछे जाते हैं, लेकिन मैक्स एक सुरंग में गिर जाता है। उसके दोस्त अफ्रीका के शहर में पहुँच जाते हैं, जिससे वो बहुत खुश थे। तभी उन्हें ऑनलाइन कबूतर से पता चलता है कि मैक्स एक सुरंग के अंदर फंस गया है, इसीलिए रिचर्ड उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहता है क्योंकि उन्हें सूखी नदी का रास्ता मालूम नहीं था। फिर वो सभी मैक्स को बचाने के लिए निकल जाते हैं। वही क्लाउडिज मैक्स को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका साइज बड़ा होने की वजह से वो सुरंग के अंदर नहीं पहुंच पाते। तभी वहां पर रिचर्ड अपने दोस्तों के साथ आकर उनसे मैक्स के बारे में पूछता है, जिस पर वो बताते हैं कि मैक्स सुरंग के अंदर गिर गया है, लेकिन मैं उसे सुरंग से नहीं निकाल पा रहा हूँ। तभी ऑनलाइन कबूतर उन्हें बताते हैं कि सुरंग एक खतरनाक बिच्छू की है। तो रिचर्ड मैक्स को बचाने के लिए अपने दोस्त के साथ सुरंग के अंदर चला जाता है, जहाँ पहुंचकर वो सभी मैक्स को ढूंढते हैं, लेकिन किकी वहाँ पर कंकाल को देखकर काफी डरा हुआ था। फिर वो अलग अलग गुफाओं में मैक्स को ढूंढते हैं। तभी ओल्गा को बिच्छू मिलता है, जिसे वो खा जाती है। रिचर्ड को मैक्स मिल जाता है, जिससे एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन किकी को बहुत सारे कीड़े मिलते हैं, जिससे जंगली बेंजर आकर रिचर्ड को खाने लगता है। तो उसे बचाने के लिए किकी उसके सामने डांस करते हुए सॉन्ग गाता है, तो बेंजर डांस की वजह से नाचने लगता है। तभी रिचर्ड बचकर निकल जाता है और अपने दोस्तों कहता है कि मैक्स को यहाँ से बचाकर जल्दी से बाहर निकाल लो ताकि उसकी जान बच सके। इसीलिए वो दोनों उसे अपने साथ लेकर जाते हैं, लेकिन रास्ता बंद होने की वजह से मैक्स सुरंग को खोदता हुआ अपने डैड को आवाज लगाता है, जिससे वो तीनों बच जाते हैं। लेकिन रिचर्ड अभी भी बेंजर से बचने की कोशिश कर रहा था। तभी रिचर्ड अपनी चालाकी से बेंजर से ही सुरंग को नष्ट करवा देता है, जिससे बेंजर मलबे के नीचे दबकर मर जाता है और रिचर्ड दूसरी सुरंग के रास्ते को खोदकर वहां से बाहर आ जाता है, जिसे तभी उसके डैड उससे अपनी गलती की माफी मांगकर अपनी फैमिली में हमेशा के लिए शामिल कर देते हैं। रिचर्ड सभी को अपने साथ ग्रेट लैंड लेकर जाता है, जिससे सभी बहुत खुश होते हैं। और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। और गाइस, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। 10K लाइक एम भी जल्दी पूरा कर देंगे और नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा
दबाकर पास वाले बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर लें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।